आखिर कैसे किसी पार्टी को मिलता है चुनाव चिन्ह? कौन है वो जो इन सिंबल्स का फैसला करता है? नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आखिर कैसे किसी पार्टी को मिलता है चुनाव चिन्ह? आखिर कैसे निर्दलीय उम्मीदवार को शिमला मिर्च से लेकर चप्पल जैसा चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है? आखिर कौन सी वो वजह है कि प्रत्याशी कैंची से लेकर डीजल पंप तक को चुनाव चिन्ह बना लेते हैं? और आखिर कौन है वो जो इन सिंबल्स का फैसला करता है? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। चुनाव चिन्ह तय करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। पार्टी को या फिर प्रत्याशी को 3 चिन्ह की लिस्ट चुनाव आयोग को देनी होती है, लेकिन ये लिस्ट उन चुनाव चिन्हों की ही हो सकती है जो फ्री है और जो पहले से किसी पार्टी के पास नहीं है। इसकी लिस्ट पहले से चुनाव आयोग के पास होती है। उम्मीदवार को इसी लिस्ट से 3 चुनाव चिन्ह चुनने पड़ते हैं। इसके बाद पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर चुनाव आयोग पार्टी या प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह अलॉट कर देता है। देश में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 64 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। इनके अपने अपने चुनाव चिन्ह तय हैं और इन्होंने इसे रिजर्व कर रखा है, तो ये चुनाव चिन्ह किसी को नहीं दिए जा सकते हैं। बाकी चुनाव आयोग के पास करीब 200 ऐसे चुनाव चिन्ह हैं जो फ्री हैं। अब जो राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के लोग नहीं हैं तो उनके पास कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं होता। अगर ऐसे लोगों को या फिर ऐसी पार्टियों को चुनाव लड़ना होता है तो उन्हें चुनाव आयोग से दरख्वास्त करनी होती है। लिस्ट से छांट कर 3 चिन्ह देने होते हैं। आयोग उनकी जांच करता है और फिर एक सिंबल अलॉट कर देता है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में करीब 2538 ऐसी पार्टियां हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। अगर कोई पार्टी है तो उसे उसके क्षेत्राधिकार के हिसाब से 200 में से एक चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को। 2015 में जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उस वक्त उन्हें चुनाव चिन्ह मिला था हॉकी और बॉल, लेकिन तब वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए थे। अब उन्होंने पार्टी रजिस्टर्ड करवा ली है तो उनका चुनाव चिन्ह बदल गया है, हो गया है कैंची, और ये कैंची अब उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अकेले उनका नहीं, अब उन्हें किसी भी राज्य में चुनाव लड़ना होगा तो वो कैंची चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। रही बात निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो निर्दलीय उम्मीदवारों को अलग अलग विधानसभा या फिर लोकसभा में अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। इसके अलावा जब कोई बड़ी पार्टी टूटती है तो फिर सिंबल किसको मिलेगा, ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। यूपी की समाजवादी पार्टी इसका हालिया उदाहरण है। समाजवादी पार्टी में बगावत हुई, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग हो गए, पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई, लेकिन सिंबल किसके पास रहेगा? इसका झगड़ा पहुंचा चुनाव आयोग के पास। अखिलेश चाहते थे कि सिंबल उनको मिले, शिवपाल चाहते थे कि सिंबल उनको मिले। फिर चुनाव आयोग ने तय किया कि सिंबल तो अखिलेश को ही मिलेगा और इस तरह से अखिलेश सपा के सर्वे सर्वा बन गए। रही बात सिंबल की ज़रूरत की, तो वो तो आपको पता ही है कि किसी पार्टी या फिर किसी कैंडिडेट की पहचान के लिए ये ज़रूरी है। हालांकि अभी लोगों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी बेहतर हुई है तो वो नाम के आधार पर भी तय कर सकते हैं, लेकिन जब 1951-52 में चुनाव हो रहे थे तो करीब 85% वोटर पढ़े लिखे नहीं थे। वो नाम देखकर तय नहीं कर पाते थे कि उनका कैंडिडेट कौन है। तब उसी चुनाव में चुनाव आयोग ने सिंबल का इस्तेमाल शुरू किया ताकि लोग चिन्ह देखकर अपनी पार्टी या फिर अपने कैंडिडेट तय कर सकें। ये सिलसिला उसी वक्त से चला आ रहा है। बाकी तो आपको ये जानकारी कितने काम की लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।